गोवर्धन पूजा के अवसर पर बुधगेरे बाजार व पहाड़पुर में किया गया कुश्ती का आयोजन, जिसमें पहलवान सहित दर्जनों से अधिक कुश्ती करने का दावी पेच आजमाया, जिसमें हजारों लोग ने भरपूर आनंद उठाया। पहलवान की कुश्ती आकर्षण का केंद्र बनी रही, लेकिन दीपावली के बाद मानपुर बुधगेरे में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दंगल प्रतियोगिता में लगभग 20 की संख्या में रहे पहलवानों ने दावे आजमाए। सभी पहलवानों को पुरस्कार भी वितरण किया गया। चलिए जनता पार्टी जरी झार से बजाओ। जनता दल के पूर्व अध्यक्ष भाई दिनेश यादव जी पधारे हैं, इनको समिति की ओर से और पूरे मायापुर की ओर से इनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। अपना डिसीजन मत दीजिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए आप लोग के बीच में कितना सुंदर कला प्रेमी अपना कला दिखा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके ये हुए विजेता। और थोड़ा वॉलंटियर से आग्रह है कि कुश्ती पर खड़ा नजर रखें, क्योंकि चीफ होने के बाद उलट भी जाता है, तो उसको लगता से क्या हुआ, कुश्ती को मान लीजिए रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा उस पर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1970 से लगातार यहां दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी बहुत सा पहलवान हमारे इस अखाड़े में आए हैं और हमारे इस कमेटी नवयुवक कमेटी की ओर से पहाड़पुर गांव के कमेटी जो बना हुआ है उसका अध्यक्ष प्रदीप जी और मंचा सिंह तमाम हमारे गार्जियन स्वरूप उनके कर कमलों के द्वारा जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हम तमाम यहां के खास करके युवाओं से आग्रह करेंगे कि जो पहलवान अपने दंगल प्रतियोगिता में कला कौशल का प्रयोग किया है कि आप अपने जीवन में भी उसे प्रेरणा लें, सीखें और अपना आने वाला दिन में प्रतियोगिता में सफल हो। इन्हीं चुन शब्दों के साथ तमाम ये कमेटी और उपस्थित तमाम कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं यहाँ? यहाँ करीब करीब दर्जनों पहलवान, जिसका प्रथम द्वितीय और तृतीय में 2 दर्जन से ज्यादा पहलवान इस अखाड़े में अपना कलाकारों को हम अपनी ओर से कुछ जो है परिचय दीजिए। मैं राजकुमार शर्मा, ग्राम पंचायत करजरा मुखिया। बहुत दिनों से हम लोग कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन महानंदी का पूजा करते आ रहे हैं। हम लोग शुरुआत में शुरू किया था कुश्ती प्रतियोगिता का, जो आज तक सुचारू रूप से चल रहा है और ये प्रतियोगिता कोई दुश्मनत नहीं, प्रेम भाव से हम लोग ने से ये कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आप भी कुश्ती किए क्या? आप भी कुश्ती किए क्या? और अभी जैसे माफ कीजिएगा हम बोल रहे हैं कुश्ती हम करते तो हम खुद भूलेंगे। हम करवाए हैं, हम शुरू से करवाए हैं, हम जनता के सहयोग से करवाए हैं, गांव वाले से इधर और एरिया वाले से सहयोग करवाए हैं। हम जैसे प्रेम भाव से करते आ रहे हैं, प्रेम भाव से करवाते आ रहे हैं, किसी कोई बैर विरोध नहीं, हर कोई आकर के इस इलाका के लोग आकर के पहलवान लोग अपना प्रदर्शन करता है।
और नौजवान लोग उसका सहयोग करता है और इसके साथ साथ मैं भी उनका पुरस्कार का वितरण करवाता हूँ किसी मानिंदे आदमी से, या मैं खुद वितरण करता हूँ, या जो संयोजक हैं आज का कमेटी का संयोजक प्रदीप यादव के द्वारा कुश्ती का प्रयोजन आज का प्रयोजन हुआ है। नाम बता दो। मेरा नाम रामकृष्ण प्रसाद उर्फ देवकी नंदन यादव है, ग्राम पहाड़पुर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चेती प्रसाद यादव। हमारे पूर्वज के द्वारा कुछ खेल ऐसे उनके बाद नहीं हुए उनको पूरा ही उन्होंने जागृत कर रखे हैं और इस आयोजन कमेटी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो आने वाले नौजवानों और बुजुर्गों उनको एक शिक्षा दे रहे हैं, ख्याल किया जाता है, बच्चों को मनो बढ़ा रहे हैं। इसलिए आयोजक को आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम कुश्ती प्रतियोगिता है और यहाँ ग्राम मायापुर गोवर्धन पूजा समिति की ओर से प्राइज रखा गया है। फर्स्ट प्राइज में एलसीडी टीवी है, सेकंड प्राइज में गले का चैन लॉकेट के साथ है, तीसरा प्राइज में कलाई का घड़ी है। अभी कितने रन कुश्ती हो गया? अभी 60 रन कुश्ती हो चुका है। अच्छा, सिलेक्शन भी हुए हैं? कोई सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, सिलेक्शन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। जो कुश्ती यहाँ पर लड़ता है और लड़ने के बाद जैसे फर्स्ट में मान लिया दो को तीन को आ गए लोग कुश्ती लड़वाते हैं और अंतिम फैसला जो होता है अंतिम में दो पहलवान के बीच में उसको फर्स्ट प्राइज देते हैं। सेकंड में भी प्रक्रिया हुई है, बहुत सारे विजेता हुए हैं। थर्ड में भी सबके फिर से कुश्ती कराएंगे और दो पहलवान जब अंतिम में बचेंगे तो दोनों के बीच में प्राइज को कुश्ती। कितने दिनों से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है? 45-50 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग के पूर्वज ही ये कार्यक्रम को गोवर्धन पूजा शुरू किया गया है हम लोग के पूर्वज के द्वारा। उस समय हम लोग कुछ बचकर थे, स्वस्थ था लेकिन बचकर थे, उसी समय से कार्यक्रम। क्या नाम? किशोरी आजाद, मानपुर प्रखंड के राजद के पूर्व अध्यक्ष। हम लोगों का इतिहास खास करके यादवों का इतिहास धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। मेरे पिताजी भी एक जमाने में धुरंधर पहलवान थे, गया जिला में तो उनका जोड़ा नहीं था और वो यहाँ का धुरंधर पहलवान थे पूरे जिला का, और वही जब कुश्ती लड़ना छोड़ दिए तो यहाँ का प्राइज वितरण करते थे। उन्हीं का अनुकरण में मैं भी पहलवानों का हौसला अफजाई करने के लिए बराबर आता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा राजगीर में जैसा कि जरासंध की अखाड़ा थी, सौरू और लोरी का नाम सुना होगा, यादवों का इतिहास रहा है पहलवाने में। आज भी हम लोग चाहते हैं कि मेरा इतिहास जो है पुरखों का वो कायम रहे और लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आए हुए। कितने नवयुवक इसमें भाग लिए? अभी तक 7-8 जोड़ा कुश्ती हो चुका, अभी तक फर्स्ट का कुश्ती एक जोड़ा हो चुका है, सेकंड का कुश्ती तो नहीं हो हुआ है, थर्ड का 6-7 जोड़ा हो चुका। सिलेक्शन भी हुए हैं क्या? सिलेक्शन अभी कोई नहीं हुआ है, सिलेक्शन उसी टाइप से होता है जैसे बड़े भाई हमारे किशोरी यादव आदरणीय नेता बताए उसी टाइप से सिलेक्शन। मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड वजीगंज जिला गया।